जा रहे हैं दुआ में याद रखिएगा। चले चलते हैं वज़ाइफ की तरफ। आज जो मैं आपको वज़ाइफ बताने जा रही हूँ, दो दिलों में नफरत पैदा करने का वज़ाइफ है। ये वज़ाइफ आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब कोई गैर मर्द या औरत से किसी का तल्लुक हो और घर में परेशानी हो, बेचैनी हो, नाजायज़ तल्लुकात के लिए सिर्फ उनको ख़त्म करने के लिए ये अमल आप कर सकते हैं। वरना गुनाह यानी गुनाह अज़ीम आपको अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। मैं खुद भी कभी नहीं चाहूँगी कि अगर ये अमल हम पेश कर रहे हैं तो आप जो है इस अमल का गलत इस्तेमाल करें। आपने सुबह तलु सूरज के वक़्त 19 हरूफ सफ़ेद मतलब के सफ़ेद पानी पर लिखें, नीचे दोनों आदमियों के नाम लिखें और हरूफ आपने लिखना क्या है। हरूफ आपने सिर्फ और सिर्फ तोए से होती है ना, तो जैसे पहला हरूफ आता है तोए, फिर आता है जोए, पहले आप लिखेंगे तोआ। तो वो आपने 19 मरतबा लिख कर पानी पर लिखेंगे आप। 19 मरतबा पानी पर आप लिखेंगे और नीचे दोनों आदमियों के नाम लिखेंगे जिनके दरमियान आप नफरत डलवाना चाहते हैं। गौर से सुने, अगर आप कागज पर लिख के पानी में बहते हुए पानी में छोड़ेंगे तब भी काम करेगा, और अगर कोई ऐसा बर्तन में जिसके अंदर ये तोआ बस आपने 19 मरतबा लिख लेनी है और उसके अंदर पानी भर देंगे तो उनके दिलों में नफरत पैदा हो जाएगी। उनके दिल मतलब कि पानी की वजह से डूबे डूबे लगेंगे और नफरत पैदा होगी। ये अमलियात या ये इल्म जो आपको मैंने बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने जो जिसके जिसका आपने नाम लिखा है तो वो भी जायज़ हो और जिसके लिए आप कर रहे हो वो भी जायज़ हो। यानी अगर दो आदमियों का नाम लिख रहे हो तो उसमें गुनाह का कोई भी तरीका आप इस्तेमाल ना करेंगे। इंशाल्लाह बहुत नायाब अमल है, आप करके देखिएगा, लेकिन जायज़ काम के लिए, वरना क़यामत के दिन आप की पकड़ होगी और क्या पता दुनिया में भी आपकी पकड़ हो जाए। बहुत नायाब अमल है, करके देखिएगा। हरूफे तहजी के ये जो लफ्ज़ हैं इनकी जो मतलब के इनकी जो बरकत है और जो इनकी इज्जत है वो कोई भी नहीं जानता। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। खूब का नक्श दिया जाए यानी मोहब्बत का, चाहत का नक्श दिया जाए जिससे बहुत जल्दी फर्क पड़ जाए, और इंशाल्लाह 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। उसका इस्तेमाल, उसका तरीका इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश की जाती है, अगर आप सिंसियर हैं और वो नक्श हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर जो है हमसे बात करें। उसका थोड़ा सा हदिया है, वो पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि उसका हदिया आपको ज़रूर देना पड़ेगा, वरना वो नक्श कभी काम नहीं करता। ठीक है, उसका जो मुकलीन का ज़ाहिर आपको पता है अमलियात का लिया हुआ नक्श है, और बहुत मुश्किल से हमें भी वो मिला था, तो काफ़ी पढ़ाइयों के बाद और मतलब के जैसे चिल्ला काटने के बाद वो नक्श तैयार किया गया था, और वो बहुत जलाली नक्श है। तो इंशाल्लाह आपको वो दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि आपको उसका हदिया अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हदिया इतना ज़्यादा नहीं है, आप उसका हदिया जो है दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहुत जो है ताकतवर नक्श है, उसका ख्याल रखिएगा और उसका गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप हमारा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर कमेंट्स करें, और वो लोग बस रब्ता करें नंबर के लिए जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमलियात सीखना चाहते हैं या अपनी कोई मुश्किल हल करवाना चाहते हैं। हमारे चैनल पर बहुत से जो हमने वज़ाइफ आपको पेश किए हैं, अमलियात पेश की है, रूहानी इलाज की मुकम्मल सर्विस दी जा रही है। दुनिया भर के परेशान हाल लोग अपने मसले और परेशानियों के लिए, बेरोजगार जो लोग हैं और जिन्नात जादू के मामलात का हल करवाने के लिए इस सब जो सर्विस दी जा रही है उससे काफ़ी लोग जो हैं फैसियाब हो रहे हैं, और पूरी कोशिश की है कि अपनी बहनों की मदद की जा सके, भाइयों की मदद की जा सके, और अगर हमें कोई नक्श वगैरह भी उनको सेंड करना पड़े हम वो भी उनको भेजेंगे बजरिया डाक के जरिए, या फिर कोई चीज़ भेजनी होगी वो भी इंशाल्लाह भेजेंगे ताकि उनकी परेशानी हल हो सके। किसी को जिन्नात जादू
या घर में कोई ऐसी मसला है या बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, काला जादू जैसे सफली जादू, जिन्नात, नजरे बद, और जैसे शादी के मसाइल होते हैं, पसंद की शादी के मसाइल होते हैं, तलाक का मसला होता है, कारोबार की बंदिश कर दी जाती है, कोई कारोबार कोई ठीक हो नहीं रहा था, वो अच्छा कारोबार भी खराब हो रहा होता है, तालीम का मसला होता है और बाहर मुल्क जाने का मसला होता है, रिश्ते की बंदिश, मोहब्बत वगैरह के जो होते हैं वो मैंने काफी अमल आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं जो शरीयत के लिहाज से हैं, और सास वगैरह का ये जो मसले होते हैं इनके लिए जो कुरान पाक जो है तालीम दी जाती है उसमें से आपको जो भी बेहतर होगा वो हम बताएंगे, और जैसे शोहर नाराज हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं, इन तमाम मसलों के हल के लिए इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करें, हम आपको नंबर भी देंगे, लेकिन सिंसियर लोग जो हैं वाकई ही जो हमारी बात को समझते हैं वो लोग रब्ता करें। और एक बात, आप इनको जो नंबर दिया जाएगा वो मेरे उस्ताद, मेरे जो पीर हैं उनका नंबर है, मेरे चचा भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनका नंबर दिया जाएगा, भाई लोग जो हैं वो उनसे बात करें, और ख्वातीन जो हैं उनसे बात करके हम तक पहुंच सकती हैं, ठीक है, ख्वातीन हमसे बात कर सकती हैं या फिर वो जो है उनसे भी बात कर सकती हैं, उनको नंबर दिया जाएगा। नंबर दो, बात ये है कि अगर बहुत से लोगों की फरमाइश है, यहाँ तक कि 1,000 से ज्यादा लोग जो हैं हमसे कहते हैं कि प्राइज बॉम, वट्टा, लॉटरी, इन सब के बारे में जो है मैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहती, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरह की है तो वो उनसे बात कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जितनी भी हो सके आपकी मदद की जाएगी इस्लामी तरीकों के हिसाब से। इजाजत दें, मेरी अगर बात समझ आती है तो कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमल करना चाहते हैं और अमलियात में आना चाहते हैं, बेफजूल लोग जो है रब्ता ना करें, टाइम वेस्ट मदरसों वालों का टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से चैनल बनाया गया है, तो आपकी मेहरबानी है इसको जो है इसका गलत तरीका इस्तेमाल ना करें, सिंसियर लोग बस रब्ता करें। और 2 या 3 मैसेज में अपना तमाम मसला बयान करें, ज्यादा मैसेज ना करें नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद।